यार क्या हाल है घर के से? ठीक ठाक है जी भाईजान, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। तैयारी शेयर कर ली भाईजान आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। साउथ अफ्रीका में आप क्या फील कर रहे हैं? कोई फीलिंग मिलिंग कुछ चेंज हुई है? कुछ चेंज हुई है? कोई नहीं हुई कि वही पाकिस्तान वाली है। अच्छा यार मैं ये बताऊं कि मैंने आपको नहीं बताया अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी सब ठीक ठाक हैं। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग किस पे बन रहा है? आज का व्लॉग तकरीबन 3-4 दिन पहले मैंने व्लॉग बनाया था, अपना आधा बनाया था, लेकिन वो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया क्योंकि आगे टाइम ही नहीं मिला, व्लॉग बना ही नहीं पाया। मैंने कहा चलें आज अपना जो व्लॉग है क्यों ना आज दोबारा स्टार्ट करते हैं। दोबारा किस लिए स्टार्ट करना है ये भी आपको बताना है। ये व्लॉग जो है ना हमारे लिए जो है कह लें कि बड़ी ही एक्साइटेड मूवमेंट है हमारे लिए। एक्साइटेड मूवमेंट क्या है जी, मैं आपको बताऊं कि मेरा जो छोटा भाई है वो पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक है जी, तो मैंने उस पर व्लॉग शूट करना था, उसको जब लेने गए हैं जो भी सीन हुआ, लेकिन उस पर व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि मैं बिजी था। रिजवान भाई गए थे उसको लेने के लिए, उसको लेके आ गए तो मैं नहीं जा पाया। तो मैंने कहा चलें यार जब आ जाएगा तो फिर उसको जो है हम व्लॉग में अपने पे ले आएंगे। तो अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए, 3-4 दिन हो चुके हैं उसे। खान साहब जो है वो तैयारी कर रहे हैं। हाँ नाम तो मैंने आपको बताया नहीं, चले अभी बता दिया कि छोटे भाई का नाम है जी एहसान। अभी जनाब जो है वो तैयारी कर रहे हैं, जैसी तैयारी करते हैं फिर हम निकलते हैं। आज बाहर जा रहे हैं थोड़ा सामान लेने के लिए क्योंकि आज जो है ना एहसान भाई को मिलने के लिए कुछ दोस्त अहबाब आ रहे हैं, तो उनके लिए जो है खाने का अहतमाम भी करना है। तो यार उसके लिए सामान लेने जाना है, एहसान भी कर रहा है तैयारी अंदर, और भी इंशाल्लाह जैसे ही निकलते हैं फिर चलते हैं हम सामान वगैरह लेके आते हैं। चले जी एहसान साहब माशाल्लाह से तैयार श्यार हो चुके हैं। भाईजान क्या हाल है घर से? ठीक ठाक है भाईजान, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। तैयारी शेयर कर ली भाईजान आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, वेट हो रहा है जी जी। चलें चलें आप जनाब जो है इधर क्या कर रहे हैं? चलें जल्दी जल्दी आ जाए, मिनट लगाएं। चलें जी चलें। माशाल्लाह से एहसान साहब तैयार हो गए हैं जनाब। कशा साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਗਏ ਨਹੀਂ? ਅਲਬਟਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। तो चले यार अभी जो है प्लान चेंज हो गया, एहसान को हम साथ नहीं लेके जा रहे। एहसान जो है घर ही बैठेगा, हम जा रहे हैं सामान लेने के लिए। एहसान साहब हम ले आए सामान, इजाज़त है भाईजान? इजाज़त दे लेते हैं भाई, उसको मैंने तैयार करवाया है, चेक करें। माशाल्लाह तेरी खेड़ी चेड़ी है, गड़ी चेड़ी क्या बात है भाईजान, इजाज़त है, जाएं हम? हो जाए ठीक हो गया। चले जी माशाल्लाह पहुँच चुके हैं जी मार्केट में, यहाँ पे आए शॉप रेट में, शॉप रेट से हम लेंगे सामान अपना जो हमने लेना है। चले जी आ चुके हैं मार्केट में हम। प्लान जो है हमारा फिर दोबारा चेंज हो गया था, एहसान को भी हम साथ ले आए हैं। एहसान साहब आ जाओ। चलें जी सामान लेना है, जो सामान हमने लेना है वो क्या कहते हैं उसे, आपने सुना होगा कि कहावत नहीं है वो जो खुसरे अलबाल होता ना चुम चुम मारता, तो हमारा वो इशारा है कि हमें जो है ना पता चल गया कि पिज्जे किस तरह बनते हैं। तो आजकल जो है ना हमारे घर में हर वीक जो है पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो आज फिर यही प्लान बन गया कि मेहमान आ रहे हैं उनको कुछ खिलाना भी है, तो प्लान यही बना कि यार पिज़्ज़े का सामान ले लेते हैं तो उनको फिर जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है पिज़्ज़े वो खिलाते हैं। अभी आए हैं शॉप रेट पे, इस वक्त यहाँ पे जो है ना सिर्फ शॉप रेट ही खुली होती है, बाकी जो है मैक्सिमम जो है चीज़ें वो बंद हो जाती हैं यहाँ पे। चले यहाँ पे हमने लेनी है, हमने यहाँ से क्या लेनी है जी? पलूनी लेनी है हमने, पलूनी ये पड़ी हुई है जी, इस पर चेक करते हैं स्टैम्प हलाल की, ये लगी हुई है हलाल की स्टैम्प, ये जी पलूनी ले ली हमने, ये आ गई जी पलूनी हमारी। और इसके अलावा अभी हमने लेना है क्या छोटा मोटा सामान जिसमें चीज़ हो गई, बोनलेस चिकन, खैर वो तो घर में पड़ा हुआ है ऑलरेडी, और जो है जैतून वगैरह हो गया या जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो लेनी है हमने। साउथ अफ्रीका में आप क्या फील कर रहे हैं? कोई फीलिंग मिलिंग कुछ चेंज हुई है? कुछ चेंज हुई है? कोई नहीं हुई कि वही पाकिस्तान वाली है। अच्छा यार मैं ये बताऊँ कि मैंने आपको नहीं बताया कि इसको हमने भेजा था सऊदी अरेबिया। ठीक है जी, मैं गया हुआ था, मैं आया था जब यहाँ पे साउथ अफ्रीका, तो इसको हमने भिजवाया था सऊदी अरेबिया। तो ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था यार, जो भी है ना किसी चक्कर लगाओ कि मैंने साउथ अफ्रीका आना है, मुझसे जो है ना सऊदी ज़्यादा नहीं रहा जाता। तो इसका फिर हमने भाई प्लान बना के जो है हम इसको दोबारा ले आए हैं यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितने अरसे की एहसान, कितने अरसे की मेहनत के बाद आप यहाँ पहुँच गए हो? एक माह लग गया। ऐसे ही पहुँचा तो इसने जो है रट लगा दी कि मैंने जाना है, मैंने आपके पास ही आना है रिजवान भाई, और आपके पास ही मैंने आना है, इधर साउथ अफ्रीका में ही आना है। तो आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है दिन वो आ गया है, खुश है, एंजॉय कर रहा है, चिल कर रहा है, इसको जो है साउथ अफ्रीका जो एंजॉय करवा रहे हैं। ठीक है जी, तो एहसान साहब कर रहे हैं साउथ अफ्रीका एंजॉय, नहीं कर रहे? 3-4 दिन हो गए आपको आए हुए, फुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल माहौल है। चलें ठीक हो गया, बाकी इंशाल्लाह अभी लेते हैं हम सामान। तो हमने सिर्फ जो है अभी तक फिलहाल पलूनी रखी है, उसके अलावा जो है ना इसको ट्राली पर जो है कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर आ रहे हैं।
चलें अभी जो सामान लेना है, जो काम की चीज़ है, काम जो करना है हमने वो करते हैं, फिर उसके बाद में चलें जी शॉपिंग वगैरह कर ली हमने, जो सामान लेना था अपना ज़रूरत का जो है था वो हमने ले लिया जी, जो पिज़्ज़े वगैरह का सामान लिया जी, आटा वगैरह ख़त्म हुआ पड़ा था वो ले लिया जी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली। तो चलें अभी चलते हैं भाईजान, हमने जो है मेहमानों को टाइम दिया हुआ 8 बजे का, और मेहमान भाईजान आने वाले हैं, आपको पता है पहुँचने वाले हैं, 7:30 हो गए हैं, यहाँ पे 10 बजे वही 10 बजे पिज़्ज़े हमारे बनने हैं, तो मेहमानों को टाइम दिया हमने 7:30 बजे का। चलें अभी जा रहे हैं, निकलते हैं, बिल वगैरह इसका पे करते हैं और यहाँ से निकलते हैं जी। तो यार वेलकम हो गया, अगली सुबह में उठ गए हैं जी, कल रात को जो व्लॉग अपना कंटिन्यू नहीं कर सके क्योंकि मेहमान जो है ना बहुत ज़्यादा आ गए थे एहसान को मिलने के लिए, तो उसमें जो है टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल जो है व्लॉग जो है अपना कंटिन्यू करने में। तो अभी उठे हैं यार, आज की इंशाल्लाह जो भी रूटीन हुई आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो है उठाऊँ तो बाहर निकलूँ तो एहसान साहब जो है ऑलरेडी ये देखें चावल शावल के आप आते हैं माशाल्लाह, जुल्फकार भाई भी साथ लगे हुए हैं, सर कैसे हैं खरीद से हैं, नहीं नहीं खाओ तो पिज़्ज़ा नहीं खाते पे ओ बार बार सुटे अच्छा पिज़्ज़ा भी खाया। चले यार जो है ना रात को माशाल्लाह 8-10 बंदे थे, पिज़्ज़े बहुत ज़्यादा थे, बस गए थे, अभी ये चेक करें माशाल्लाह से 2 लगे हुए हैं लाइन में, अभी जो है देखते हैं या तो इनके साथ नाश्ता करेंगे तो या फिर जो है अपने लिए कोई पराठा सराठा बनाते हैं भाई, नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह निकलते हैं कहीं घूमने फिरने के लिए। और आज जो है ना एहसान को हमने लेके जाना है, एहसान साहब आज फिर आपको ले चले बाहर कहीं घूमने फिरने के लिए। अच्छा चले एहसान को लेके जाना है यार घूमने के लिए बाहर, तो अभी देखते हैं क्या प्लान बनता है। सबसे पहले जो है कुछ नहा धो ले, फिर उसके बाद इंशाल्लाह नाश्ता वगैरह करके तो कुछ प्लान अपना बनाते हैं। अच्छा यार अभी इसने खुद नाश्ता कर लिया, और जब मैंने बोला तो मुझे कहते मैं तुझे बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ, तो मैंने कहा चल बना दे रोटी। तो जब मैं इधर आया हूँ तो इसको रोटी बनाने नहीं आती, तो अभी मेरा वेट कर रहा था। अच्छा ये जो है ना मेरी गल सुन, अभी बेड़ा खराब ना करेंगे, रोटी खराब ना करेंगे, बनाता हूँ तुझे बताता हूँ, फिर जो है ना आस्ता सीख जाएगा, एक बनान को नहीं होना देखो, चल बना फिर जल्दी जल्दी। तो चलें अभी देखते हैं ये क्या जो है गुल खिलाता है यहाँ पे, अभी बना इतना होना चाहिए ना इसको जो है ना नॉर्मल नॉर्मल आप कह लो कि जो रोटी होती है उसके लिए तो बड़ा पेड़ा हम करते हैं, और जो पराठा होता है ना उसके लिए थोड़ा सा ना हल्का बड़ा पेड़ा करते हैं, क्योंकि अगर हल्का हो ना पेड़ा तो वो जो है रोटी सारी अकड़ जाती है, समझ आई। इतना भी बड़ा ना हो लेकिन नॉर्मल थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा ठीक है, ताकि आपका जो पराठा है वो जो अकड़ ना जाए, ठीक है। तो चलें जी एहसान साहब, अभी ये पेड़ा जो है ना आपने बहुत छोटा किया, ना सीरियस डंगर है, डंगर तो नहीं यार छोटा जहा पेड़ा है, इतना सा गाइस इसने इतना पेड़ा किया और ये पराठा बना लिया, अभी चेक करें जरा। चल पता क्या है, तू रोटी खराब कर रहे है, खराब कर रहे है, छाड़ दे, मैं तुझे ना बना के दिखाता हूँ, फिर तू अगली दफा देना, तू बना, ठीक है। चल ये कैमरा पकड़, मैं तुझे दिखाता हूँ, पहले ना तूने ये पेड़ा जो है ना तूने ये कुछ छोटा सा किया, अभी ये देख थोड़ा सा पेड़ा अपना वो बड़ा रख, मसलन ये देख ना अभी ये देख पराठे के लिए ना थोड़ा सा पेड़ा जो यार इतना पेड़ा तो डंगरन दे ही दे। अभी ये नॉर्मल ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते, थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। अभी इसको खुश्क आटा इसको लगा के ना, सही है भाई जी, ये चीजें जो है ना परदेश में बंदा आटो पे सीख जाता है, तो हमने ये चीज़ें सोची भी नहीं थी कि हम ये खुद करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है रोटी छोटी खुद बनाते हैं, अपनी बना लेते हैं, ठीक है। वैसे शानी भाई तुम मास्टर हो गए, मास्टर बस सही गल है, प्रदेश में बंदा आ गया मास्टर हो जाता है हर चीज का, ठीक है, आटा तो हो जाता है। रोटी भाई हमने डाल दी अपनी, ठीक है, अभी हम एहसान को बता रहे हैं कि पराठा किस तरह बनता है, ठीक है जी। अच्छा इसको जो है ना एक दफा तुमने गर्म करके, ठीक है, इसको एक दफा इसी साइड से करनी है, फिर उसके बाद तुमने ऑयल डालना है, तब डालना है जब ये हल्की सी पक जाएगी, तकरीबन हल्की सी अभी पक गई है, ठीक है। चल अभी तरह पराठा तकरीबन जो है ऑलमोस्ट, क्या बात है जी, क्या बात है। अभी इसको तू हल्का हल्का जो है कपड़े के साथ यार जो है हम तो पराठे जब बनाते हैं बैठे सुबह उठ के, तो वो 3-4 हमारे पास चमचे हैं, उसके साथ ही जो है इसकी साइडें वगैरह चेंज करते रहते हैं। भाई जान विले हो चुके हैं जी, निकल आए हैं, जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जी, नानका घर जा रहे हैं जी, नानका घर आपको पता है कहाँ पे है, ठीक है जी।
चल के वहाँ पे आज का दिन जो है वो गुजारेंगे। साथ में लिया हमने एहसान साहब को, एहसान साहब आ गए और साथ में हमने अपनी बाल्टी ले ली कपड़ों वाली। चल के वहाँ पे कपड़े वगैरह धो लेंगे। हमारे पास थोड़ा सा पानी का मसला बना हुआ है, बहुत ही अरसे का बना हुआ है, आप लोगों को शायद पता होगा, जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा। तो आजकल निज़ाम जो है पानी इतना आता है कि गुजारा हो जाता है, लेकिन जो है मशीन जितना नहीं होता पानी के, जो है इजीली कपड़े बना धो लें। तो अभी यार निकल गए हैं, एहसान को भी लेके जा रहे हैं, चल के वहाँ पे घुमाते हैं। जो उड़ने वाला खोता, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, टाइम थोड़ा, आ जा आ जा आ जा, मिनट ला मिनट ला, किन्नी की जल्दी जल्दी, तू जाना नहीं काम पे। एदा मुंह देखो गाइस, एदा मुंह देखो, देखे हम गई दी अब यार, बटन मोल बंद हो गया। नहीं नहीं ना कर, सही बंद है, पता नहीं तेरे भी पता है भाई बंद हो गया। तो फिर तो यार अभी ना हम आया इसके पास, इसके पास क्यों आए, आपको पता होगा कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच आ रहा है दिसंबर में। कब आ रहा है? दिसंबर में आ रहा है ना, दिसंबर की 14 तारीख की टिकटें की, दिसंबर की जो, अच्छा खरीद लिए। तो यार इसने बड़े अरसे, इसको ना तकरीबन एक माह हो गया इसने टिकटें खरीदी हुई है। मुझे बोलता था कि टिकट ले 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 ले, तो मुझे पता नहीं था कहाँ से मिल रही है। तो मैं फिर आज इसके पास आया हूँ, मैंने बोला चल आ जा जल्दी चले, संडे आज दुकानें जो है वो बंद भी ना हो जाए, चल के वहाँ से एडवांस हम टिकट्स ले लें, ऐसा ना हो कि भाई टिकट ही खत्म हो जाए। तो पाकिस्तान का मैच आ रहा है भाई, देखना तो हमारा बनता है। ठीक है जी, तो चले अभी जा रहे हैं, कैफ साहब आ गए हैं जनाब हमारे साथ, तो इसको हमने ले लिया यार, अभी जा रहे हैं वहाँ पे, चल के लेते हैं। पता है ना तुझे कहाँ से लेनी है? कॉल करने लगा। अच्छा कॉल करने लगे, चल ठीक है जल्दी कॉल कर ले, पूछ ले कहाँ से लेनी है, तो ऐसा ना उधर जाके मैं खजल खार ना करी है, जल्दी जल्दी पता कर ले जहाँ से बंद रहना। चल सही है, अभी कैफ कॉल कर रहा है, पता नहीं किसको कर रहा है यार, समीर, समीर को कर रहा है। अल्बर्टिन मॉल से कहाँ से मिलती हैं वो टिकटें, तुझे नहीं पता? चले यार आ चुके हैं मॉल में, तलक लगा भाई, अंदर आ रहे थे वो अंदर नहीं आने दे रहा था, मॉल बंद हो चुका है। देखिए सारी दुकानें जो हैं, सारी शॉप्स बंद हुई पड़ी हैं, तो अभी हम देखते हैं, चेक करते हैं, अल्लाह करे खुली हो, क्योंकि फिर जो है चक्कर जो है बहुत कम लगता है। अगर शॉप खुली होगी तो यार हमें टिकट्स जो है मिल जाएंगी, तो ये है कि हमारा जो है काम ये वाला हो जाएगा, टिकट्स वाला, बाद में हमें जो है ना जलील नहीं होना पड़ेगा। तो अभी जा रहे हैं, चेक करते हैं, देखते हैं। बल्ले ने जो है वीडियो कॉल लगाई हुई है जिस दोस्त को पता है जहाँ से मिलनी है, तो वो जो है दिखा रहे हैं। हॉल सारा बंद हो गया, सारी शॉप्स बंद हैं, लोग निकल रहे हैं। शिट यार, शॉप जो है वो बंद हो गई है, यहाँ से मिलनी थी हमें टिकट्स मैच की, लेकिन जो है हम आया लेट, तो ये अभी बंद हुई पड़ी है। ये 2 बजे का मॉल बंद हुआ, तो अभी क्या करें, फिर वापस चलें? चलो फिर शान साहब आ जाओ, चलो चलो, और फिर नेक्स्ट वीकेंड चेक करेंगे, फिर यही है नेक्स्ट वीकेंड। अच्छा तो चलें यार, अभी शॉप जो है वो बंद हुई पड़ी है, तो मजबूरन अभी हमें वापस जाना पड़ रहा है, तो अभी चलते हैं, नेक्स्ट वीक जुगाड़ लगाएंगे। अगर इसने ले ली तो ठीक, अगर ना ली इसने तो फिर जो है हमें खुद आना पड़ेगा लेने के लिए। तो चले अभी निकलते हैं वापस, ही आ चुके हैं हम खत करवाने के लिए। एहसान कह रहा था कि मैंने खत करवाना है, तो जनाब को हम लेके आ गए हैं। हाँ जी तैयार हैं खत करवाने के लिए? किसके साथ मैसेज कर रहे हैं? तो यार अच्छी बात नहीं है ना, इमरान भाई जो है वो ऑलरेडी आए हुए थे बाबर शॉप पे, तो एहसान ने बोला कि चले हम भी खत करवा लेते हैं। तो अभी जी एहसान साहब इस इनको लेके आ गए हैं, इलियास साहब जो है वो खत कर रहे हैं इमरान भाई का। इलियास कैसे हो? ये जी इलियास है, इलियास फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम बेंगलोर। हाँ जी सुनाए, खत सत करवा लिए? अच्छा ब्लॉग में जा रहे हैं, ब्लॉग में आ रहे हैं। एहसान कहता कि मैंने खत करवाना, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए थे घर, एहसान को जो है घुमा फिरा के आज लिए हैं, और जनाब जो है अभी आराम कर रहे हैं। तो चलें आज का व्लॉग या आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर लें, जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं चल अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।